हाय, तो जैसे कि मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया JEE मेंस के रिजल्ट के ऊपर, तो उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए कमेंट सेक्शन में कि सर मेरा 58% आया या मेरा 70% आया या मेरा 88% आया या मेरा 90% आया, तो मेरा होगा या नहीं होगा, मतलब मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए मैं एलिजिबल हूँ, मैं पेपर लिख पाऊँगा या नहीं लिख पाऊँगा, तो उसके ऊपर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताऊंगा जो JEE एडवांस लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, अराउंड 9,29,000 समथिंग या समथिंग लोगों ने, या 9,30,000 अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो, 9,30,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, ठीक है। अब इसमें से 2,24,000 स्टूडेंट्स क्या होंगे, इलिजिबल रहेंगे, टॉप 2,24,000 स्टूडेंट्स इलिजिबल रहेंगे JEE एडवांस लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें अलग अलग कैटेगरीज होंगे, एक रहेगा ओपन, ठीक है, उसके बाद OBC, NCL, मतलब OBC में ऐसे लोग जो नॉन क्रिमिनल है, मतलब जिनका इनकम पर्टिकुलर लिमिट से कम है, उसके बाद शेड्यूल कास्ट, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब, और हर एक कैटेगरी में क्या रहेगा, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसमें पर्सन विथ डिसेबिलिटी, और इसमें क्या रहेगा, दो टाइप के, एक जिसको क्या है डिसेबिलिटी और जिसको मतलब नॉर्मल इंसान, ठीक है। तो ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको पता होगा कि टोटल ओपन में ये जो 2,24,000 स्टूडेंट्स इलिजिबल होंगे उसमें ओपन के कितने रहेंगे, 50.5% OBC NCL के कितने रहेंगे, 27%, और जो लोग नॉन क्रिमिनल में नहीं आते, मतलब जिनका इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है, तो वो किस कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे, ओपन मेरिट लिस्ट में या कॉमन मेरिट लिस्ट में। उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट के 15% रहेंगे और शेड्यूल ट्राइब के 7.5%। अब इससे आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा परसेंटाइल इतना इतना आया है, मैं इस 2,24,000 स्टूडेंट्स में आता हूँ या नहीं आता हूँ, तो उसके पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब ये जो टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 2,24,000 स्टूडेंट्स रहेंगे जो इलिजिबल रहेंगे, ठीक है, टॉप, मतलब जितने लोगों ने JEE मेंस जनवरी लिखा है, उसके बाद आधे लोग रहेंगे जिन्होंने ये वाला अटेम्प्ट नहीं दिया था क्योंकि उनके बोर्ड्स के एग्जाम थे, प्रैक्टिकल एग्जाम थे, तो वो अप्रैल वाला अटेम्प्ट भी देंगे, तो उन सब में से जो बेस्ट आएगा उसमें एक कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, तो उसमें आपको रैंक पता चलेगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकोगे कि आप इतने टॉप में आते हो या नहीं आते हो, ठीक है। तो इसमें ओपन के कितने सीट्स रहेंगे, ओपन में भी दो कैटेगरी रहेगा, एक प्योरली ओपन, और ओपन में ऐसे लोग जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है। अब देखो इसके टोटल नंबर ऑफ सीट रहेंगे 1,07,464, और इसके रहेंगे 5,656। अब देखो यहाँ पे कितना होगा टोटल, 120। अब देखो, अब बहुत सारे मन में सवाल, लोगों के मन में सवाल होगा, सर मैं ओपन में हूँ, अब टोटल कितने लोगों ने एग्जाम दी, मान लो 9,30,000, कितने लोग हैं टोटल, इसमें से टॉप कितने सिलेक्ट करने वाले, ये अब ओपन का परसेंटाइल कितना लगेगा, कितना परसेंटाइल लगेगा ताकि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। अब देखो आपको ओपन के लिए कितने सीट्स है, 1,07,464, और ये जो रिजल्ट आया है इसमें अपने को परसेंटाइल दिया है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ टोटल इतने लोगों ने एग्जाम दी, उसमें से आपको जो कॉमन मेरिट लिस्ट रहेगी उसमें क्या होना पड़ेगा, ये वाले इतने लोगों में आना पड़ेगा,
टॉप 1,07,000 में। अब मान लो कि अपन मान लेते हैं 1,10,000 है, ठीक है, 1,10,000, तो 9,30,000 में से 1,10,000 गया तो कितना होगा, 9,30,000 में से 1,10,000 गया तो कितना होगा, 8,20,000। मतलब जो टोटल 9,00,000 दिए उसमें से आप कितने में हो, टॉप 1,10,000 में, तो आपके नीचे कितने लोग रहेंगे, 8,20,000। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, तो आपके नीचे कितने लोग हैं, 8,20,000, और टोटल कितने लोगों ने दिया, 9,30,000, तो आपके नीचे कितने हैं, 8,20,000, और टोटल कितने लोग हैं, 9,30,000। तो ये होगा ओपन का परसेंटाइल, तो कितना होगा, 1, 2, 3, तो 82/93, तो अराउंड ये परसेंटाइल आएगा 90, कितना आएगा 90 परसेंटाइल। बट अब देखो ये एक रफ आइडिया हो गई, ये क्या हो गया, एक रफ आइडिया कि आपको कितना परसेंटाइल लगेगा, 90, तो 90 में कुछ अराउंड 92 या 93 95 कर लो, तो उसमें आपके चांस क्या हो जाएंगे कि आप इलिजिबल हो जाओगे JEE एडवांस लिखने के लिए। ये हो गया ओपन की बात, तो ओपन के कितने सीट है, इतने, और ओपन में पर्सन विद डिसेबिलिटी के कितने, इतने, तो हर कैटेगरी में 5% इसको रहते हैं। अब देखते हैं बाकी, मतलब जैसे ओबीसी, एनसीएल, उसके बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनमें से आपको कितना परसेंटाइल लगेगा। अब देखो ये एक रफ आइडिया है, ऐसा कुछ मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि इतने परसेंटाइल में आप इलिजिबल हो जाओगे, इट्स अ रफ एस्टिमेट। जब आप सेकेंड अटेम्प्ट भी दोगे अप्रैल में, उसके बाद एक कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, और कॉमन मेरिट लिस्ट में अगर आपका रैंक इसके अंदर होगा तो आप क्या रहोगे, इलिजिबल, आप इलिजिबल रहोगे JEE एडवांस लिखने के लिए। अब बाकी कैटेगरीज का क्या, ये वाला और ये वाला, तो मैंने बोला था इसके 50.5% सीट है, इसके 27%, इसके 15% और इसके 7.5%, ठीक है। तो अब देख, तो ओबीसी में भी दो कैटेगरीज रहेंगे, एक ओबीसी एनसीएल और एक ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इसके देखो टोटल 57,456 और 3,024 सीट्स रहेंगे। अब देखो इसमें एक कंसेप्ट आता है ओवर रिप्रेजेंटेशन, क्या आता है ओवर रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा ओवर रिप्रेजेंटेशन। अब मान लो ओबीसी के टोटल सीट्स कितने हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं ओबीसी के टोटल सीट्स कितने हैं, 60,480। अब मान लो कि जितने लोगों ने, जो ओबीसी एनसीएल के अंडर आते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, सपोज मान लो कि 10,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, ओपन का कट ऑफ क्लियर किया, तो वो कौन से ओपन की सीट ऑक्यूपाई कर लेंगे, मतलब वो कॉमन मेरिट लिस्ट से उनको ओपन की सीट मिल जाएगी, समझ में आ रहा है, 10,000 लोगों को क्या होगा, ओपन की सीट मिलेगी। तो अब बाकी के जो 60,480 सीट है वो वैसे के वैसे रहेंगे, तो जो ओबीसी, प्योरली ओबीसी एनसीएल के, वो किसको जाएंगे, ओबीसी के, तो टोटल ओबीसी के कैंडिडेट कितने जाएंगे वहां पे, ये 10,000 और ये 60,480, तो ये 10,000 का क्या हो गया, ओवर रिप्रेजेंटेशन। ओवर रिप्रेजेंटेशन मतलब जितने सीट्स थी आधे लोगों ने क्या किया, ओपन का कट ऑफ क्या किया, तो वो क्या ले लेंगे, ओपन की सीट्स, तो ओबीसी एनसीएल की सीट्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये जो बाकी कैटेगरी है तीनों, इसके बारे में अपन बता नहीं सकते। अब जैसे देखो ओबीसी एनसीएल की सीट्स है, सपोज ये वैकेंट रहती है तो ये किस में चली जाएगी, ओपन में। बट जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनके सीट्स क्या होते हैं, अगर इनके कैंडिडेट्स नहीं होंगे तो वैसे वैकेंट रहते हैं। तो ये इन तीनों के बारे में अपन कुछ बता नहीं सकते क्योंकि ओवर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बट एक जनरल आइडिया मान लो कि सपोज ओवर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओवर रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो ये कितने होंगे, 1,10,000 और ये कितने होंगे, 60,000, ठीक है, तो 1,00,000
70,000, तो आपको कितने में आना पड़ेगा, टॉप 1,70,000, तो टोटल लोग है 9,30,000, उसमें से आप कितने में आए, 1,70,000, तो आपके पीछे कितने लोग रहेंगे, देखो 2,00,000 गया मतलब 7, ठीक है, इसमें से 1,70,000 हटा दो तो कितना होगा, 7,60,000 लोग आपके क्या रहेंगे नीचे, तो आपका परसेंटाइल कितना बनेगा, डिवाइड बाय 9,00,000, तो 76 डिवाइड बाय 93, तो अराउंड आपको 80-85% मतलब ओबी, इसके लिए कितना बोला 92-93 परसेंटाइल अराउंड, ठीक है, अब ओबीसी को कितना लगेगा अराउंड 82-85% इट्स रफ एस्टिमेट कि इतना होगा, इतना लगभग होगा तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, इससे ऊपर ही लगेगा आपको, मतलब इससे ज्यादा ही परसेंटाइल लगेगा, ठीक है, और ओपन के लिए इतना, इससे ज्यादा वाले तो ऑब्वियसली क्वालिफाई करेगा, तो वो डिपेंड करेगा उसी तरह शेड्यूल्ड कास्ट के कितने सीट्स है, शेड्यूल्ड ट्राइब के कितने सीट्स है, उसके ऊपर क्या आप क्या एक रफ आइडिया मिल जाएगी आपको कि मेरा कितने परसेंटाइल पे चांसेस है या नहीं है। बट मैं एक चीज बताता हूं कि इसकी कुछ गारंटी नहीं कि इतने पे हो जाएगा, आपको जब कॉमन मेरिट लिस्ट आएगा जब क्या होगा, आपका कॉमन मेरिट लिस्ट आएगा मतलब आपको क्या मिलेगा, एक रैंक मिलेगा, तो अगर आप आपकी कैटेगरी में, जैसे ओपन की बात करूं तो ओपन की कैटेगरी में आप, जैसे यहां पे मेरा कितना था 1,07,464, तो आप इसके अंडर आपका रैंक होगा तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे, उसी तरह ओबीसी एनसीएल में कोई अगर 57,456 के अंदर होगा तो डेफिनेटली क्वालिफाई करेगा, उसके बाद 3,00,000 ये ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी कोई कैटेगरी का बंदा होगा इसके अंदर होगा तो डेफिनेटली क्वालिफाई करेगा। आप एससी में देखो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट पीडब्ल्यूडी इसके कितने सीट्स हैं, 31,920 और 1,680 इसके कितने सीट्स हैं, इतने, तो आपको इसके अंदर आना पड़ेगा। अगर ओवर रिप्रेजेंटेशन होता है तो कट ऑफ क्या होगा, फिर से कम कम होते जाएगा, उसी तरह शेड्यूल ट्राइब में कितना है एसटी और एसटी पीडब्ल्यूडी इसमें टोटल कितने हैं 15,960 और इसमें 840 तो टोटल सीट्स कितने हैं इसके 16,800 और इसके कितने हैं 33,600। तो ये वीडियो देख के आपको एक रफ एस्टिमेट आ गया होगा कि आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा या कितना परसेंटाइल अराउंड एवरेज इसके ऊपर लाना पड़ेगा ताकि आप JEE एडवांस लिख सकोगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।